मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रवीणा सैनी। आज हम बीएड के सेकंड पेपर, जो सेकंड ईयर का सेकंड पेपर है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें हम आकलन के उद्देश्यों की स्टडी करेंगे। अब आकलन, आकलन किसी व्यक्ति या किसी समूह के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया ही हमारी आकलन कहलाती है। और यह आकलन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक सहयोगी कार्य है जो शिक्षक के लिए हेल्पफुल होती है कि अपने स्टूडेंट्स के बारे में वो असेसमेंट करके फर्दर अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकता है। साथ ही ये जो आकलन है, ये आकलन एक तरह से स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है कि स्टूडेंट अपनी प्राप्तियों में कितना और अधिक अचीवमेंट कर सकता है। स्वयं मूल्यांकन में भी आकलन की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। अब आकलन शिक्षा की दृष्टि से आकलन के तीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जिसे हम इस कैटेगरी में इस प्रकार से दर्शाएंगे। अब इसमें सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य रहेगा वह है शिक्षण पूर्व उद्देश्य। शिक्षण पूर्व उद्देश्य, प्रक्रिया जो विद्यार्थियों के संदर्भ में शिक्षक द्वारा आयोजित की जा रही है उसमें कौन कौन
बारे में फीडबैक यानी हमारी प्रतिपुष्टि, फीडबैक हेतु तो हम इतना बालकों को टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के दौरान जो शिक्षक पढ़ाता है बच्चे उसका रेस्पॉन्स देते हैं और उस रेस्पॉन्स के अंदर हम फीडबैक निर्धारित करने हेतु भी हम आकलन करते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ जिसमें है नैदानिक अनुदेशन हेतु। नैदानिक अनुदेशन हेतु यानी हम बच्चों की जो समस्याएं हैं जो उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आ रही है उन समस्याओं के कारणों को जानने के लिए जो हम परीक्षण का प्रयोग करते हैं वो उसका तैयारी करने हेतु भी हम आकलन कर सकते हैं। तो नैदानिक अनुदेशन हेतु भी हम आकलन करते हैं। शिक्षण के उपरांत के उद्देश्य, अब हमने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस संपादित कर ली अब उसके बाद हम आकलन का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ करेंगे उसके अंदर शैक्षिक संप्राप्ति हेतु। शैक्षिक यानी शिक्षा के संदर्भ में हमारी कितनी जो संप्राप्ति यानी उपलब्धि यानी जो हमारा अचीवमेंट हुआ है इस संप्राप्ति जानने हेतु भी हम क्या करते हैं आकलन के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो इसके जो भी साक्ष्य हैं संप्राप्ति के जो साक्ष्य हैं वो हमारी रिपोर्ट कार्ड वगैरह होगी तो प्रमाणन हेतु भी हम आकलन करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि छात्रों ने कितनी संप्राप्ति की है, ये संप्राप्ति की है के आधार पर कितनी संप्राप्ति की है यानी उनके के आधार पर ग्रेड प्रदान करने हेतु, ग्रेड प्रदान करने हेतु भी हम क्या करेंगे हम आकलन करेंगे। नेक्स्ट आता है कि शिक्षण की प्रभावशीलता जानने हेतु, शिक्षण की प्रभावशीलता जानने हेतु भी हम आकलन करते हैं। और एट द लास्ट है शिक्षक के स्वयं मूल्यांकन हेतु, जो हमारा शिक्षक है वो शिक्षक, मैं इस पॉइंट को यहाँ लिखना चाहूँगी यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है शिक्षक के स्व मूल्यांकन हेतु भी हम आकलन कर सकते हैं या आकलन के जो उद्देश्य हैं हमारे वो डिसाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से ओवरऑल टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है हमारी विद्यालय के अंतर्गत एक कक्षा कक्ष में उस कक्षा कक्ष के दौरान कर सकते हैं। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है, इस असाइनमेंट के आधार पर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और इस प्रश्नानुसार आकलन के शिक्षा से संबंधित स्तरों के आधार पर उद्देश्य या उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो आज हमने जो शिक्षा के स्तरों के आधार पर शिक्षण के पूर्व शिक्षण
दौरान और शिक्षण के उपरांत हमने जो आकलन के उद्देश्य हैं वो आज के वीडियो में हमने स्टडी की। इसके बाद